तो बड़ी खबरें इस वक्त की आपको बता दें, मध्य प्रदेश के अगले सीएम मोहन यादव, तस्वीर आपके सामने, उनकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो ये युवा चेहरा प्रदेश का नेतृत्व करेंगे, मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभालेंगे। प्रतिक्रियाएं बड़ी तेजी से अब कुछ देर में आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। और ये उज्जैन दक्षिण से अब की बार चुनकर आए हैं, युवा फेस हैं, छात्र राजनीति से इन्होंने प्रवेश किया है। और सबसे बड़ी बात यह, संघ के बेहद करीबी रहे। जो डिप्टी सीएम के तौर पर दो नाम बताए जा रहे हैं, उसमें से एक नाम है राजेंद्र शुक्ल, जो रीवा से आते हैं और रीवा से अब की बार प्रतिनिधित्व दिया है, एक अनुभवी हैं। अलग अलग मंत्रालयों की जिम्मेदारी शिवराज कैबिनेट में वे संभाल चुके हैं। इसके अलावा जगदीश देवड़ा मल्हारगढ़ से चुनकर अब की बार विधानसभा पहुंचे हैं। 2023 में जगदीश देवड़ा ने मल्हारगढ़ क्षेत्र से चुनाव जीता है। अलग विभागों की जिम्मेदारी संभालते रहे, उनके नाम पर मोहर लगाई गई है। तो वित्त मंत्री के तौर पर आपने जगदीश देवड़ा को देखा सुना होगा, लेकिन अब वे डिप्टी सीएम के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। तो मोहन यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री और दो डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश में होंगे। सीधी तस्वीरें आप देखें, मोहन यादव को बधाइयां देना शुरू कर दिया गया। मनोहर लाल खट्टर जो पर्यवेक्षक के तौर पर आए थे, हरियाणा के सीएम, उन्होंने बधाई दी है मोहन यादव को। लीजिए साहब, विष्णुदत्त शर्मा भी बधाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं, बड़ी तस्वीरें आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री मोहन यादव, इस वक्त सभी बड़े नेता उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। उज्जैन दक्षिण से विधायक, भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय से आती सीधी तस्वीरें, मोहन यादव मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे, उनके नाम पर सहमति बना ली गई। और ये देखिए आप, आशा लकड़ा जो पर्यवेक्षक के तौर पर तीन नेता आए थे, तीनों ने सबसे पहले बधाई दी है मोहन यादव को। मंच पर वे सभी का आशीर्वाद ले रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर स्पीकर के तौर पर, विधानसभा स्पीकर के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। और प्रदेश में दो डिप्टी सीएम होंगे, एक राजेंद्र शुक्ल और दूसरे जगदीश देवड़ा। सबसे बड़ा निर्णय तकरीबन आधे घंटे 35 मिनट के भीतर भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय भोपाल में ले लिया गया। और आप देखें, माला के साथ में स्वागत किया, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, उनको भी आप देख रहे हैं, उन्होंने भी स्वागत किया मोहन यादव का। उनकी खुद की कैबिनेट में ये उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं और अब ये प्रदेश की कमान संभालने वाले हैं। तो विष्णुदत्त शर्मा पार्टी प्रदेश अध्यक्ष, मनोहर लाल खट्टर जो पर्यवेक्षक के तौर पर आए थे, शिवराज सिंह चौहान, तमाम बड़े नेताओं ने मंच पर स्वागत कर दिया है पुष्पमाला पहनाकर। प्रदेश का नेतृत्व करने के लिए उनको शुभकामनाएं दी हैं। पहली प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं सुनवाने का प्रयास करेंगे कुछ ही देर में। तो मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक जीत के बाद तमाम नामों की अटकलों को विराम लगाते हुए मोहन यादव मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। दो उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में होंगे, ये पहली दफा होगा कि मध्य प्रदेश में इस तरह दो उप मुख्यमंत्री सरकार में आपको दिखाई पड़ेंगे। ये तमाम सीनियर नेता हैं, अब इनकी भूमिका क्या होगी, इनको लेकर कयास चलेंगे। जिन नामों की चर्चा हम लगातार कर रहे थे कि ये मुख्यमंत्री रेस में हैं, उन सबको दरकिनार करते हुए मोहर लगी है मोहन यादव के नाम पर। दो डिप्टी सीएम जरूर होंगे और अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। एक हैं जगदीश देवड़ा जो वित्त मंत्री के तौर पर कैबिनेट में कमान संभाल चुके हैं, वित्त मंत्री के तौर पर कार्य करते हमने उनको देखा है। और दूसरा राजेंद्र शुक्ल जो विंध्य से आते हैं। मोहन यादव को सुन रहे हैं आप सीधे। अपने मन से वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ये होती जोरदार आगे बढ़ाए, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और आप सबका धन्यवाद अदा करता हूँ। केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, समूचे मंच का, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को हमारे सभी मित्रों ने मिलकर कर आपके मार्गदर्शन में जो जवाबदारी दी, यद्यपि मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन आप सबका प्रेम, आपका आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा। एक बार फिर आप सबका आभार दूंगा। तो मोहन यादव ने सभी को धन्यवाद दिया, आभार प्रकट किया, पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया उसको लेकर, पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद दिया। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय से, बीजेपी मुख्यालय भोपाल की सीधी तस्वीरें। और आप वीडी शर्मा को देख रहे हैं पार्टी प्रदेश अध्यक्ष।
और हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक आदरणीय मनोहरलाल खट्टर जी, आदरणीय लक्ष्मण जी, बहन सुश्री आशा लकड़ा जी, उनका भी मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। विधायक दल की बैठक, सभी विधायकों का बहुत बहुत आभार और नए नेताओं की बधाई के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बैठक विधिवत तौर पर समाप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव कमान संभालेंगे। उज्जैन दक्षिण के विधायक, प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री रहे, छात्र राजनीति से शुरुआत की। और अब आप देखें, शिवराज सिंह चौहान की प्रतिक्रिया का इंतजार पूरा मीडिया कर रहा है, सभी नेताओं की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। उप मुख्यमंत्री के तौर पर जगदीश देवड़ा, जो मंदसौर के मलारगढ़ सीट से जीत कर आए, कद्दावर नेता है, शांत स्वभाव के धनी हैं, विवादों से दूर रहते हैं और वित्त जैसा महत्वपूर्ण विभाग संभाल चुके हैं, अब उप मुख्यमंत्री बनाए गए। राजेंद्र शुक्ल विंध्य से आने वाले कद्दावर नेता हैं, हर एक समाज हर एक क्षेत्र का पूरा ख्याल रखा गया है। तो राजेंद्र शुक्ल प्रदेश के दो डिप्टी सीएम में एक इनका भी नाम है। तो ये आप बीजेपी मुख्यालय से देख रहे हैं तस्वीरें। और सबसे बड़ी खबर, मोहन यादव सबको चौंकाते हुए पार्टी विद डिफरेंस के टैग को चरितार्थ एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने किया है। एक अलग नाम, एक नया नाम, एक फ्रेश फेस मध्य प्रदेश में दिया है। पार्टी के केंद्रीय नेताओं ने तय करके जो नाम भेजा था, जिस नाम का प्रस्ताव किया था, उस पर सहमति बन गई। विधायक दल ने अपना नेता चुन लिया मोहन यादव को। अगले सीएम के तौर पर मोहन यादव जल्दी शपथ लेंगे। तो मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव, उनके नाम पर मोहर लगा दी गई। दो उप मुख्यमंत्री होंगे, एक है रीवा से आने वाले राजेंद्र शुक्ल, जो ऊर्जा जैसा विभाग संभाल चुके हैं मध्य प्रदेश में, और दूसरी तरफ है जगदीश देवड़ा, जिन्होंने वित्त मंत्रालय संभाला मध्य प्रदेश में और मलारगढ़ सीट से जीत कर आए, मंदसौर की मलारगढ़ सीट, वहां से अब की बार विजय हुए। मोहन यादव ने क्या कहा अपनी पहली प्रतिक्रिया में, सुनवा रहे हैं आपको। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबका धन्यवाद अदा करता हूँ, केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, समूचे मंच का, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को हमारे सभी मित्रों ने मिलकर कर आपके मार्गदर्शन में जो जवाबदारी दी, यद्यपि मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन आप सबका प्रेम, आपका आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा, तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा। एक बार फिर आप सबका आभार, धन्यवाद। तो आपने ये मंच पर ही प्रतिक्रिया सुनी, ये बीजेपी दफ्तर में जैसे ही उनके नाम पर मोहर लगी, उसके बाद ये उनकी पहली प्रतिक्रिया मंच से थी, जो उन्होंने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को धन्यवाद देते हुए दी। और अब आप देख रहे हैं बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया, सभी दिग्गज नेता मोहन यादव को शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं। तीनों पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में नाम पर मोहर लगा दी गई और अब प्रदेश में तस्वीर साफ है, प्रदेश की कमान मोहन यादव के हाथ है, वे मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति बन गई है, मोहन यादव मध्य प्रदेश के अगले सीएम होंगे। दो डिप्टी सीएम, एक है राजेंद्र शुक्ल और दूसरे हैं जगदीश देवड़ा, उनके नाम पर सहमति बना ली गई। और विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर, स्पीकर के तौर पर केंद्रीय मंत्री रहे नरेंद्र सिंह तोमर, जो दिमनी सीट से अब की बार जीत कर आए हैं, वे जिम्मेदारी संभालेंगे।